और अब इमरान सीरीज़ की बात करेंगे सेठ साहब जब भी उनके बयान आते हैं तो वो डिस्कस होते हैं खबर बन, जा, बन जाती है हेडलाइन बन जाती है जैसे आपने तो कहा क्या करें मजबूरी है मजबूरी है करिश्मा क्या क्या कर सकता है इस दुनिया में उन्होंने मीडिया से गुफगू की है और एक तो उन्होंने वो आप वाली बात रिपीट की और ये हकीकत है कि आइन में कहाँ लिखा है कि फलाट जगह जो है वो एहतजाज नहीं किया जा सकता उन्होंने ये सवाल किया साफियों से आपने यही बात कुछ दिन पहले कही थी और ये हकीकत है लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है जो शायद सामने रखा जाता है इसके अलावा उन्होंने जब उनसे क्लैरिटी मांगी गई इस बात के ऊपर कि एक तरफ आप कहते हैं कि इस हुकूमत के पास ताकत नहीं है ताकत जिनके पास है उनसे मुजाकर करेंगे उनसे बात करेंगे क्योंकि हुकूमत तो चार हलकों की मार है अगर खुले तो यह हुकूमत गई दूसरी तरफ आप महमूद चकजही साहब को कह रहे हैं कि आप सियासी जमातों से मुजाकरा करें तो उनका यह कहना था कि महमूद चकजही साहब फ़ौज से मुजाकर के हामी नहीं है तो हमने उन्हें कहा आप सियासी जमातों से करें लेकिन कन्फ्यूजन है बात समझ नहीं आई और इसके अलावा उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब है उनको टारगेट ये करके किया कि वो सबसे बड़ा यू टर्न तो उन्होंने लिया वोट को इज़्ज़त दो दोनारा लगाने के बाद शेर अफजल मरवत साहब के मामले के ऊपर वो कुछ कन्फ्यूज़ दिखाई दिए कन्फ्यूजन शायद रखना भी चाहते थे लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान ख़ान साहब ख़ुद इस बात पर क्लियर हैं कि मुजात किसके थ्रू करने हैं और टारगेट क्या अचीव करना है नहीं देखिए खान साहब की जो स्ट्रेटजी है ना वो ऐसी नहीं है कि जी वो क्लियर हों उनकी एक स्ट्रेटजी है सिर्फ कि किसी तरीके के साथ एक अपना जो सपोर्ट ग्रुप बेस है बाहर उसको बरकरार रखे उसको उसको डिफ्यूज़ नहीं होने देना उसको मायूस नहीं होने देना उनको तकड़ा करके रखना और वो तकड़ा करने का तरीका एक ही है कि मैं डट के रहूँ मैंने नहीं जाना बनी काला मैंने यहीं रहना जेल में अच्छा ठीक है और, और माफ़ी मांगे मुझसे और हाँ और मैंने हार्ड लाइन नहीं नहीं है है तकड़ा रहने मैं। नर हुँ मैं हुँ। मैं नहीं, मैं मर मगर मैं नहीं पसंद करती है ऐसी बातें हाँ। एक तो ये वो उसके अंदर कोई रद्द नहीं होने देंगे नरमी नहीं दिखाएंगे अच्छा, दिखा नहीं। नहीं। लगा था कि जैसे आपकी बात थोड़ी अच्छी ना ना कोई लचक नहीं दिखानी क्योंकि वो इस बयानी को बरकरार रखना चाहते हैं कि मैं तकड़ा हूँ। आई एम पॉपुलर आई एम तकड़ा आइन मेरे साथ है जज मेरे साथ हैं आज नहीं कल कल नहीं परसों आई विल बी बैक इन पावर ऑन माई टर्म्स ये उस उनका है hmm. अब उनकी टर्म्स का इशू है ना जी. इसलिए वो टर्म्स बिल का है hmm. उनकी कि जी फॉरन इलेक्शन कराओ ठीक hmm. और उसके बाद आप पीछे हटें और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो और इलेक्शन कराए और ये नहीं तो वो जो पुरानी इलेक्शन हुई है उसको हम चैलेंज करते हैं उसको ख़त्म करें तो जो सारी रिक थी तो अब ये ये तो डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना इस्टेबलिशमेंट ना ये गवर्नमेंट अगर ये डिमांड एक्सेप्ट करती है तो इस्टेब्लिशमेंट भी गई तो गवर्नमेंट भी गई तो जो है खान साहब चाहते हैं मगर वो तो नहीं होगा ना सो so इसलिए ये बात जैसे ना गुड्डी जड़ी ना वो पेचा वो चली जा रहा है कोई कटता नहीं पे कोई अच्छा हाँ। <laughs> तो अब बात यह <laughs> है कि खान साहब इधर भी चलाते हैं उधर भी चलाते हैं जैसे पार्टी को चला रहे हैं पार्टी को चला रहे हैं ऐसे कि कुछ बातों पे एक बयान दे देते हैं उसी बात पे गए किसी के आगे और बयान दे, दे देते हैं ये जो सारी डिवीजन हुई हुई है पार्टी के अंदर हर बंदा जो उठता है वो कहता है खान खानों मिलकर आए वो ऐ कहता है वो ऐ कहता है अच्छा खान जरूर कहता भी होगा और वो चाहते हैं कि ये कन्फ्यूजन रहे बाहर कोई लीडरशिप ना बने अच्छा। लीडरशिप मैं ही हूँ ओनली आई एम द वन यहाँ आए मेरे से पूछें और मैं सब कुछ चलाऊंगा अच्छा इसीलिए अब जब उनको मरवत के बारे में पूछा गया आज, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कहने लगे हाँ मैं फिर जवाब दूंगा किसी वक्त हाँ। यही कहा कानून पंजोता साहब उनके कानों में इसी वक्त कुछ कहना शुरू हो गया अच्छा, अब वो चुप रखी हाँ अब पंजोता जो है इनका वकील है तकड़ा बंदा है और हाँ। वो बड़ा लॉयलिस्ट है मगर पंजौता एक बात कह रहा है और नहीं पंजोता ने बैरिस्टर साहब जो है गोहर गोहर वो कुछ और बात कह रहे हैं वो कहते हैं कि मरव को हमने नहीं निकाला, नहीं निकाला. पंजोता कहता है हमने निकाल दिया हाँ. अब खान क्या कहता है खान जो. ने उनको भी और इधर भी कोई ऐसी बात नहीं की होगी उन्होंने कहा अगर सर उन्हें कटने की बड़ी जरूरत है तो जी हम इशू कर लगे इधर से गया होगा कि सर उसको नहीं कर सकते हाँ हूँ हाँ तो खान इज प्लेंग वो किसी को ना निकालेगा एक्सेप्ट करने के लिए हर एक को तैयार होगा एक्सेप्ट आज मैं समझता हूँ कि अगर फवाद चौधरी को वो मिल लेता ना तो फिर ये फिर शुरू हो जाएगा फवाद कहेगा मुझे मिल लिया है और मैं तो वापस आ गया हूँ आधी पार्टी कहेगी तुम्हें तो मानते ही नहीं है तुम तो ये हो तुम तो वो तो ये चीज़ें चलेंगी ये मैं आपसे कहा दिस इज स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि जी कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है और बाय द वे अगर आप पढ़े ना बेसिकली जो गवर्नेंस के ऊपर जो थीसिस तारीख में अर्थशास्त्र से लेके और कुतलिया और मैखेली और संजू जो मेन स्ट्रेटिजिक थिंकिंग जो लोग जो इसके बारे में कहा जाता है एंड मॉडर्न थियोरस्ट सारे यही कहते हैं कि इट्स इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ डिग्री ऑफ कन्फ्यूजन एंड वो कन्फ्यूजन जो है वो आपको कंट्रोल में रखती है अगर आप ओपनली इधर उधर करते हैं तो वो डिविजन्स हो जाते हैं तो ये बार जो कुछ हो रहा है खान को पता क्या हो रहा है खान इसको अंदर इसको खत्म करने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं कर रहा कि मरवत क्या कह रहा है और गंडापुर क्या कह रहा है अब गंडापुर का भी एक बयान आ गया जी। उन्होंने <laughs> कहा मेरी पोजीशन ऐसी है मुझे बातचीत करनी पड़ती है लेकिन आ, हम माफी मांगने हैं। को तैयार है अगर आप ये साबित कर दें कि नौ में, में हम अच्छा अब ये माफी मांगने के लिए तैयार ये गंडापुर ने कहा इमरान दे ये लफज नहीं इस्तेमाल करेगा आ, वो कभी नहीं कहेगा ये जो गंडापुर ने कहा इमरान ये कभी नहीं कहेगा कि अगर आप सबूत दे दें तो हम माफ़ी मांग लेंगे से दैट विल बिकॉज़ फौज़ है, कह रही है कि आप ये कहें तो इनके ये मौकफ है कि हमने तो किया ही नहीं इस किस्म की कोई चीज तो मगर इमरान माफी का लफज उसके मुँह से नहीं निकलेगा कभी हो गया तुम तो माफी मांगो किसी सूरत में इमरान खान माफी नहीं मांगेगा जी। किसी सूरत में भी सो फौज so ये सब लोग जो हैं अपनी तरफ से लगे हुए खान को कन्विंस करने खान बात सुन भी लेता है नहीं भी सुनता और फिर आखिर में ये वकील हजरात के आगे कोई ना कोई बयान दे देता है दिक्सा आप और मैं बिज़ी हो जाते हैं उसको इंटरप्रटेशन में सारे लगे हुए हैं इंटरप्रट करने के लिए एक्चुअली खान विल नॉट टॉक टू एनी वन अच्छा खान इज नॉट रिलाइंग ऑन द जजेस कि जजेज़ और इस्टबलिशमेंट के दरम्यान कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर इसका फ़ायदा हो इसको जजेस बाहर निकालें और अगर इस्टेबलिशमेंट रोकने की कोशिश करे तो जजेस बेल एम आउट ही डेट्स इज़ गेम प्लान एक तरफ दूसरी तरफ उसका गेम प्लान ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर डिवीजनस क्रिएट किए जाएँ और ताकि जब वक्त आए तो वो डिविजन्स जो हैं वो ऊपर वाले हेडकोर्टर्स को जाके कहेंगे सर ऐसे नहीं हो सकता बड़े मसले बन गए हैं तो या आप जाएँ या या उनसे कहें अपनी पॉलिसी तब्दील करें कोई रास्ता निकालें मुल्क का नुकसान हो रहा है तो एक ये स्ट्रेटजी है जो कि कामयाब नहीं हो रही नहीं। मगर स्ट्रेटजी ये है और ये जो सारा कुछ हुआ ना मे में दिस वॉज एम डट देट कि जी इतना इंतजार फैलाया जाए इतनी अटैक की जाए कि हिल जाए लोग यूनिफॉर्म वाले और वो कहें यार ये तो अटैक हमारे पे आ गई है कुछ करें इसको ख़त्म करें करें वो बात कर ले ये कर ले वो करें दैट वॉज ए और शायद कोई और भी कुछ हो जाए अंदर सो uh, so, खान साहब और तीसरी चीज़ यह कि पार्टी किसी के कंट्रोल में ना जाए उनकी जो पार्टी ना उसकी बहन के कंट्रोल में जाए ना किसी लॉयर के कंट्रोल में जाए ना किसी सियासतदान के कंट्रोल में जाए ही इज़ दी अनडिस्प्यूटेड एंड ओनली लीडर ऑफ द पी टी आई तो ये इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है मैं बैठा रहा पी टी आई वालों के साथ कभी कभी बैठ जाता हूँ तो वो आगे से एक दो तीन लोग कह रहे होते हैं कि मरवत जो है वो गद्दार है जी। और यहाँ तक गंडापुर भी मरवा ये सारे एजेंट हैं और दूसरे कह रहे होते हैं फलाने एजेंट हैं दूसरे कह रहे आपस में ये लगे हुए होते हैं वो एजेंट है और थेरियाँ चढ़ ली होती हैं तो दैट्स वॉट इमरान लाइक्स दैट्स एंड यू नो जब इवन जब वेन ई वॉज इन पावर आपको याद नहीं है मैं याद दिलाता हूँ कि जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो के पी के अंदर कुछ लोग जो थे वो लोटे बनने जा रहे थे <laughs> और उन्होंने जाके कोई बयानबाजी भी की थी कोई सेनेटर इलेक्शन <laughs> <पर, laughs> <Senate election. laughs> तो इसने उनको नॉकआउट नहीं किया hmm. उनको बुलाया जरूर <laughs> और उनकी माफ़ी जो है सुन ली hmm. और क्या जाओ मगर एक्शन नहीं लिया बिकॉज यू न्यू द टेकिंग एक्शन कुड प्रिसिपिटेट और ना चीज़ बन जाए उसके साथ okay. तो ये इंतजार फिलाना डिविजन्स क्रिएट करना सबको एक दूसरे के खिलाफ चलाना सिर्फ लीडर एक ही है बाकी कोई नहीं है किसी का इससे ना कोई ग्रुप बनता है

आयशा आज अगर इस्टेबलिशमेंट uh, तैयार हो जाए हाँ। बात करने के लिए तो महमूद अचेजई साहब लपक के पहुँच जाएंगे बात करने के लिए महमूद साहब भी सब तैयार हैं मगर उधर से कुछ नहीं हो रहा यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ हर पीटीआई का बंदा या उनका जो इतिहादी है हुँ। सब तैयार हैं वो कहते हैं हम तैयार हैं हुक्म की

मोहम्मद अली दुरानी साहब और कोई लेफ्टिनेंट जनरल लोधी और इस किस्म के लोगों ने खुद इनिशिएटिव लेने की कोशिश की मगर आपने देखा स्टैब्लिशमेंट ने कोई घास नहीं कोई घास नहीं, नहीं डाला उनको बेचारे भागे गए के बुला लेंगे हम बड़े नियत नीति से सब कुछ करना चाह रहे हैं एक लेफ्टिनेंट जनरल भी है एक अदर पॉलिटिशंस भी हैं ये है तीन चार बंदे इकट्ठे किए थे जो कि सो कॉल्ड न्यूट्रल थे इस्टैब्लिशमेंट से कोई घास नहीं डाला बेचारे नॉक 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 देयर कमरे नंबर अनब्लॉक <laughs> 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 किया है लेकिन रिस्पोंड नहीं कर रहा ठीक तो है सुन, सुन रहे हैं सब कुछ जवाब नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा और तीन फेज अगर हो चुके हैं तो फिर वो इस बात की गवाही के वहाँ से अभी फिलहाल कोई जवाब देने का इरादा नहीं है और यही है साफ जवाब वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद